आज के इस आधुनिक युग में भी विकलांगता एक अभिशाप बन चुका है, जिसका इलाज एलोपैथिक चिकित्सा में मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज के इस दौर में होम्योपैथी चिकित्सा में इसका उपचार संभव है। यहाँ बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र, बड़े बड़े न्यूरोसर्जन दुनिया भर की जांच व इलाज करने के बाद भी बच्चों को ठीक करने में जवाब देते हैं। वहीं होम्योपैथी चिकित्सक डीके वर्मा ऐसे बच्चों को अपनी दवा से नया जीवन प्रदान कर विकलांगता के अभिशाप से मुक्त कर रहे हैं। जब पता चला कि होम्योपैथी चिकित्सा में इन बीमारियों का इलाज संभव है, तो भिलाई संवाददाता राजेंद्र गाड़े एवं सुनील सोनी ने कांकेर स्थित होम्योपैथी क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से बात की। यहां पर चिकित्सक डीके वर्मा ने बताया कि ऐसे बच्चे जो गर्दन, हाथ पैर व कमर से कमजोर हैं, चलते समय शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता, चाल टेढ़ी मेढ़ी है, गिर जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम का इलाज बिना किसी ऑपरेशन, गोलियां व बिना किसी खून जांच, इंजेक्शन, सिटी स्कैन के मात्र लिक्विड फॉर्म से उपचार किया जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर डीके वर्मा से, समाचार एक्सप्रेस से क्या कुछ कहा। किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें हम लोग की जो दवाइयाँ हैं वो प्योरली होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और लिक्विड फॉर्म में रहती है, जिसके कि बच्चे को पीने में लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है और ये दवाइयाँ कोई बैड इफेक्ट नहीं करती हैं। और जो बच्चे के ब्रेन में डैमेज हुई रहती है, उस डैमेज सेल को रीजनरेट करके उनको ठीक करती हैं। किस तरीके के बच्चे अभी तक आए आपके पास? अभी तक हम लोग के यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, हाइपोक्सिक चाइल्ड, हाइड्रोकेफेलस, सारे ब्रेन और न्यूरो के बच्चे आते हैं। आपको बता दें कि स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक के नाम से चल रही इस होम्योपैथी संस्था में स्पेशल बच्चों का उपचार आम आदमी के बजट में किया जाता है, जबकि ऐसे बच्चों का उपचार कराने में माता पिता लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। फिर चाहे वह बच्चों को बड़ी अस्पतालों में भर्ती कराने में हो, या फिर बड़ी बड़ी जांच कराने में हो, या फिर बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने में किराए के रूप में हो, लेकिन इस होम्योपैथी संस्था की खासियत यह है कि यहाँ पर केवल 3,000 रुपए महीने के खर्च में एक माह की दवा मिल जाती है और बार बार बच्चों को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार ही बच्चों को क्लिनिक में लेकर जाना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी दवा कोरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इस खबर के बाद ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे स्पेशल हैं, यदि वे बच्चों का उपचार कराना चाहे तो भिलाई नगर शिवाजी उद्यान स्थित स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक में इसका इलाज करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम होम्योपैथी क्लिनिक का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमारी इस खबर का उद्देश्य किसी संस्था का प्रचार करना नहीं, बल्कि इस देश को विकलांगता मुक्त करके ऐसे माता पिता को उस तकलीफ से निजात दिलाना है जो उन्हें स्पेशल बच्चे के परवरिश करने में होती है, तथा ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल बच्चों को सामान्य जीवन मुहैया कराने में मदद करना है। इसके लिए हमारे भिलाई दुर्ग हेड राजेंद्र गाड़े एवं सुनील सोनी ने खुद कांकेर दौरे पर गए और स्पेशल बच्चों का अपनी आंखों से उपचार होते देखा। साथ ही ऐसे बच्चों के माता पिता से खास बातचीत भी की, होम्योपैथी दवाई से मिलने वाले फायदे की जानकारी भी ली, जिसके कुछ अंश हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनका इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं हो पाया, जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और माता पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी, वैसे स्पेशल बच्चे भी असामान्य जीवन जी रहे हैं। इनमें एक बच्चा ऐसा भी है जो 2.5 साल की उम्र में अचानक बोलना, चलना, उठना, बैठना पूर्णतः बंद कर चुका था और उसके माता पिता हर जगह इलाज करवा कर थक चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन 2 वर्ष पूर्व जब उन्हें इस क्लिनिक के बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ से इलाज प्रारंभ करवाया, तो आज उनका बच्चा ठीक होकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं समाचार एक्सप्रेस की विकलांग बच्चों के माता पिता से खास बातचीत। जीरो हो गया, मतलब चलता था ना, उठता था ना, बैठता था ना, कुछ नहीं कर पाता था। हम लोग ने वहाँ डॉक्टर बैठे में पटौदा डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोला कि इसको
झटका है उसका ईईजी करना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा। इसे करके तो हम लोग ईईजी करवाए। ईईजी में निकला कि आपके बच्चे को सीजर है करके बताया, झटका मतलब। तो वहाँ जो दवाई दिया टेग्रीटाल करके, तो टेग्रीटाल दवाई खिलाते थे वहाँ से, थोड़ा ठीक था मगर वही 15 दिन कैसे कुछ गैप गैप में इसको फिर झटका आता ही था। तो फिर उसके पास लेके गए तो बोला नहीं नहीं वहीं चले गए। उसके बाद फिर वो बोला कि दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा ऐसे करके, और टेग्रीटाल को बंद करा के नेपिलेक्स दवाई दी, नेपिलेक्स दवाई दिया। फिर नेपिलेक्स के चलते फिर वैसे ही झटका आना चालू हुआ था, मतलब 15-20 दिन में झटका आता ही था। हम लोग अब घबरा के ना सीधा वहाँ ले गए रायपुर, रायपुर में कालीबाड़ी के पास भट्टर डॉक्टर के पास। तो भट्टर डॉक्टर बोला बच्चे का एमआरआई कराना पड़ेगा ऐसे करके। तो हम लोग एमआरआई करवाया तो वहाँ निकला कि वास्तव में इसको है वो बीमारी। तो डॉक्टर से जाकर रिपोर्ट दिखाया तो बोला कि आपके बच्चे को अभी तक से इलाज होने के बाद सर पता चला नहीं, क्योंकि एक ही महीना जी हम लोग इसका इलाज कर। अच्छा भी मैं ठीक हूँ। कहाँ से है? मांगरी। क्या परेशानी, क्या परेशानी है? पहले इतना झटका था कि हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बहुत घुमाया हम लोग, कहीं पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर हॉस्पिटल लेके गया तो आपका बच्चा ऐसे ही रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा बोले। फिर हमको कहीं से डॉक्टर का पता चला तो यहीं लाए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है अभी। ये साल के? अभी 1.5 साल कुछ होने वाला है, यहाँ पर डॉक्टर भी इलाज कर रहा है। लड़की लड़के? लड़की है। 6 साल के है? अभी 6 साल। 6 साल अभी ठीक है ना? आए फिर हमको बताए, हम लोग मैं सबसे पहले धमतरी गया, उसके बाद कुछ मेरे फराम मिला यहाँ से, कोई डॉक्टर ही मेरे को सलाह ही नहीं दे पा रहे थे। धमतरी में 4-5 डॉक्टर को दिखाया, वहाँ उन लोग बोले कि हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। उसके बाद मैं निराश हो गया था। फिर मेरे कुछ डॉक्टर के बारे में कुछ कोई बताए, फिर हम लोग घूमते घूमते डॉक्टर सरकारी में भी गया नहीं, सरकारी में गया था तो वहाँ कोई नहीं, कोई कोई कुछ नहीं बताया इसके बारे में, हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते बोले। धमतरी यहाँ पे गए थे मित्तल डॉक्टर के पास, फिर उकड़ के पास गए थे, फिर उपाध्याय के पास गए थे, उसके बाद आशीष अग्रवाल के पास गए थे। वो बोले हम कुछ बता ही नहीं सकते बोले। फिर मैं निराश हो गया, फिर हम किसके पास ले जाएंगे कह करके। फिर हमको ये डॉक्टर के हमको कुछ पता चला, फिर हम लोग साल भर हो गया है हम इसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। अभी ठीक है बच्चा? अभी ठीक है। क्या परेशानी है? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।